अरमा आंसुओं में बह गए। नहीं नहीं, इतने बुरे हाल नहीं हुए, लेकिन कई बार ना दिल के अरमा जो है जब अरमान बनकर ही रह जाते तो बड़ा सैड लगता है। एंड गेस व्हाट, ये तो भैया आदि बॉलीवुड का अरमान पूरा करते हैं और उनके खुद के अरमान क्यों अधर में लटके हुए हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स करण जौहर की। तो मुझे अभी भी एक अंदर में एक इच्छा है आप अगर किसी कास्टिंग डायरेक्टर्स को बता सके, प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि मेरे खुद के कंपनी में मुझे कोई नहीं लेता, तो ये बहुत दुख की बात है। कि कोई मुझे एक अच्छा खासा रोल दे और मैं प्रूफ करूं कि मैं एक्चुअली एक्ट कर सकता हूं। है बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर, बॉलीवुड का वो प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ काम करने के लिए कोई भी कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। बॉलीवुड का वो शख्सियत जिसके बारे में सब कुछ सब जानने की कोशिश करते हैं, वो जो चाहे ना सब कुछ कर सकता है। इसके बावजूद आखिर ऐसा क्या है जो करण को सता रहा है? आखिर करण की ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो अब तक पूरी नहीं हुई है? अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत लंबा खींच दिया हमने, फटाफट से बताओ ना कि आखिर करण जौहर को ऐसा क्या हो गया है। अब भाई हुआ कुछ नहीं है, लेकिन वो ना करना चाहते हैं। प्रोड्यूसर करण जौहर का अरमान है एक्टिंग करने का, वो चाहते हैं कि कोई उन्हें कास्ट करे। विभा, मैंने बहुत सारे सपने देखे थे जब मैं 20 साल का था। यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैंने सोचा कि मैं पिक्चरें बनाऊंगा, मैंने फिर सोचा कि मैं शायद एक ऐसा स्टूडियो बनाऊंगा जो बहुत सारी फिल्में बनाए। फिर मैंने, मुझे एक्टिंग का भी कीड़ा था, तो मैंने वो भी कर लिया जब बॉम्बे वेलवेट मुझे ऑफर। अब आप सोचेंगे कि जिसका खुद का इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो, भला उसे किसी से एक्टिंग करने की गुजारिश क्यों करनी पड़ रही है? सारी चीजें हो गई है, टॉक शो का जज होस्ट करना, रियलिटी शो का जज करना, बट मेरा एक्टिंग करियर जो है ना, मुझे बहुत दुख की बात है कि मुझे एक ऑफर नहीं मिला। और लोगों को ये पूरी तरह समझ है कि मैं एक्टर हूँ या नहीं हूँ, तो मैं उस बात को इस्टेब्लिश नहीं कर पाया थ्रू बॉम्बे वेलवेट। वो पिक्चर नहीं चली तो यू नो नथिंग वर्क्स व्हेन द फिल्म डजंट वर्क। तो मुझे अभी भी एक अंदर में एक इच्छा है कि कोई मुझे एक अच्छा खासा रोल दे और मैं प्रूव करूँ कि मैं एक्चुअली एक्ट कर सकता हूँ, तो वो बात रह गई है। हियर गोस, दिस इज माय फर्स्ट ट्राई। गुलाबों के खटर पटर से गुलाबों के खटर पटर से तितर बितर सिताबों, सिताबों के अगर मगर से उथल पुथल गुलाबों, गुलाबों के खटर पटर से तितर बितर सिताबों, सिताबों के अगर मगर से उथल पुथल गुलाबों। अब करण, अगर ये सच्ची बात है ना, वाकई में आप एक्टिंग करना चाहते हैं, तो सास बहू और साजिश आपका नाम जरूर आगे बढ़ाएगा। हमारी ये स्टोरी जो भी देख रहा है ना, प्लीज वो करण को एक्टिंग के लिए जरूर अप्रोच करे, क्योंकि करण का सपना है एक्टिंग करने का, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कोई भी सुन रहा हो, मैं ये चाहता हूँ कि एबीपी द्वारा आप मुझे प्लीज, आप अगर किसी कास्टिंग डायरेक्टर्स को बता सके, प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि मेरे खुद के कंपनी में मुझे कोई नहीं लेता, तो ये बहुत दुख की बात है। इंडस्ट्री में ही करण जौहर पले बड़े हैं, बॉलीवुड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन्हें। तो अब के समय में बॉलीवुड में कितना बदलाव होना चाहिए? क्या वाकई में बॉलीवुड को एक बदलाव की जरूरत है?
इस पर भी हमने करण से सवाल पूछा। बहुत सारा चर्चा हो रहा है अबाउट लाइक यू नो कंटेंट एंड बॉलीवुड और क्या हो रहा है बॉलीवुड। आई थिंक कि हमारा बार जो है वो अभी ज़्यादा ऑडियंस का बार जो है उनका बहुत ज़्यादा इट्स रीच द वेरी हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो अगर जो पहले गुड था वो अभी ब्रिलियंट होना चाहिए। अगर ब्रिलियंट से कम हो तो ऑडियंस ये अभी जानती है क्योंकि इतना सारा कॉन्टेंट देख रही है। तो वी ऑल्सो एज ए नॉट जस्ट बॉलीवुड सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन जनरल, चाहे वो डिजिटल हो, टेलीविजन हो, सिनेमा हो, हम अभी हैव टू अप आवर गेम इन एवरी विच वे क्योंकि ऑडियंसेस जो है इतना सारा कॉन्टेंट कंज्यूम कर रही है कि अनलेस योर फिल्म और योर टीवी शो या डिजिटल शो अगर वो एकदम ब्रिलियंट ना हो तो वो शायद आपको वो बिजनेस या वो लव या प्यार ना दे जो पहले दिया करते थे। वो पहले सैंपल तो करते थे, अभी वो शायद सैंपल भी नहीं करना चाहे अनलेस यू आर गिविंग देम एब्सोल्यूट ब्रिलियंस। सो वी हैव टू एज एन इंडस्ट्री, एज एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे मैंने कहा कि वी हैव टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ब्रिलियंस एंड होप कि वी गेट देयर। हाँ भाई सही भी तो है, ये परिवर्तन संसार का नियम है और संसार के नियम से हम सबको चलना चाहिए। तो अगर बॉलीवुड में आप और हम मिलकर कुछ बदलाव कर सकते हैं तो ये ना सबका सौभाग्य होगा और यकीन मानिए अभी इसकी ना बहुत ज्यादा जरूरत है। मुंबई से विभा कौल भट्ट के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।